हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में आपको ये टोम्बो मोनो जीरो रेजर को अनबॉक्स और रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ। कि आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ ये टोम्बो मोनो जीरो रेजर का, कि किस तरीके की ये इरेजर है और किस तरीके से बिगिनर्स और आर्टिस्ट काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो कम्प्लीट इस वीडियो में रिव्यू देने वाला हूँ और लास्ट में अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूँगा कि आपको इसको परचेस करना चाहिए या आपको इसको परचेज नहीं करना चाहिए, और ये एक बिगिनर के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एक आर्टिस्ट के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप करें पूरी जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये है बॉक्स, कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। सो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी और मुझे आज डिलीवर हो गया है। सो अभी हम इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। सो मैंने फाइनली इसको ओपन कर लिया है। सो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है इसकी, इसको हम साइड में रख देते हैं। और फाइनली ये है इरेजर और रिफ़िल। सो मैंने इरेजर भी मंगाई है और रिफ़िल भी मैंने साथ में मंगाई है। सो इरेजर का पैच कुछ इस तरीके का है और ब्लैक बॉडी कलर मंगाया है मैंने। सो इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 275 है इसकी प्राइस। ये ब्लैक कलर की बॉडी है इसका, इसकी प्राइस 275 है। और रिफ़िल कुछ इस तरीके की हैं, तो रिफ़िल की प्राइस मैं बता देता हूँ आपको, 135। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो अभी हम इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे रिफ़िल को भी ओपन कर लेता हूँ। सो रिफ़िल कुछ सिलेंडर ट्यूब में आती हैं। तो ये इरेजर है, इरेजर को अभी मैं आप थोड़ा क्लोज करके बता देता हूँ। सो यहाँ पे इस इरेजर के बॉडी पे लिखा है टोम्बो मोनो ज़ीरो और यहाँ पे लास्ट इरेजर लिखा है। सो 2.3 mm का है ये राउंड वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो आपकी यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थिन है इसकी निप। अभी मैं आपको इसको कंपैरिजन करके बता देता हूँ नॉर्मल मैकेनिकल पेंसिल से। सो आप देख सकते हैं उसी के साइज़ जितना है, थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। सो है तो काफ़ी ज़्यादा छोटी, तो इसलिए इसका मोनो इरेजर नाम रखा है। और अभी मैं आपको रिफ़िल दिखा देता हूँ। तो रिफ़िल पर भी यही लिखा है मोनो ज़ीरो, यहाँ पे रिफ़िल लिखा है ऐसे, यहाँ पे रिफ़िल। और अभी मैं इसको आपको ओपन कर देता हूँ। सो ऊपर एक छोटा सा कैप दिया है वाइट कलर का, आप उसको ओपन करके आसानी से उसको निकाल सकते हैं। और ये आपको ऊपर वाला साइड दिख रहा है, ये इरेजर है, और पीछे का प्लास्टिक का है जो मैकेनिकल पेंसिल में लगेगा, वो आप यूज़ नहीं कर सकते, और ओनली ये ऊपर वाला पार्ट आप यूज़ कर सकते हो, यही मेन इरेजर है। सो ये थी इरेजर और रिफ़िल। सो ये दोनों मैंने ऑर्डर की थी। सो अभी मैं आपको इसको यूज़ करके बता देता हूँ ग्रेफाइट पे और चारकोल पे। सो ग्रेफाइट के लिए मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, डॉम्स की, और मैं बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ इसको चलाऊँगा और थोड़ी लेयरिंग कर दूँगा मैं इसके ऊपर, ताकि देख सके कि लेयरिंग पर किस तरीके से इरेज होता है। सो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत स्ट्रोक लगा देता हूँ, जैसे हेयर के स्ट्रोक होते हैं। सो दोनों पर हम यूज़ करके देखेंगे। सो स्ट्रोक के बाद मैं इसको ब्लेंड कर दूँगा, शेडिंग को और स्ट्रोक्स को, और इसके बाद हम हाईलाइट करके देखेंगे इन दोनों में। सो यहाँ पर मैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फाइन हाईलाइट हो पा रहे हैं, थिन, बिल्कुल थिन लाइन ऑप्ट हो पा रही हैं। सो अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपके पास ये इरेजर होना ही होना चाहिए, और एक बिगनर हो तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इरेजर रहेगा ड्राइंग करने के लिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डॉट्स भी काफ़ी बढ़िया तरीके से दे पा रहा हूँ इसमें, स्मूथ और स्मूथ हाईलाइट बिल्कुल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैंने 10B पेंसिल का यूज़ किया था। सो 10B पेंसिल के ऊपर आप डायरेक्टली हाईलाइट दे सकते हैं, और मैंने इसमें लेयरिंग भी की थी। सो ऐसा नहीं है कि आप इसको हाईलाइट नहीं कर सकते, सो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप इससे हाईलाइट कर सकते हो। और अप्सरा की
इरेजर आती है। सो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। सो इसलिए इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है। सो मैंने हेयर्स के स्ट्रोक मैंने यहाँ पे बनाए थे, सो मैंने उसमें भी हाईलाइट कर दिए हैं और मैंने उसमें भी स्ट्रोक फिर से लगा दिए हैं लेयरिंग में। सो अब मैं आपको चारकोल के साथ बता देता हूँ शेडिंग और स्ट्रोक्स लगाकर। सो चारकोल में मैंने यहाँ पे शेडिंग कर दी है और मैं यहाँ पे स्ट्रोक लगाऊंगा। स्ट्रोक लगाने के बाद मैं इनको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूंगा और अब मैं इसमें हाईलाइट देने वाला हूँ। सो ये चारकोल है, इसमें इतने ज़्यादा हाईलाइट सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। सो वो चारकोल में आप देख सकते हैं फिर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हाईलाइट कर दे रहा है। और मैं अभी यहाँ पे चारकोल में भी आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ। चारकोल में देख सकते हो आप बिल्कुल फाइन हेयर जैसा हाईलाइट होनी चाहिए तो बिल्कुल उसी तरीके से आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक एक हेयर का एक एक डायरेक्शन, सो वो आपको समझना पड़ेगा। और एक बेस्ट रेज़र लगी मुझे अभी तक, मैंने जो अप्सरा की यूज़ की और जो मैकेनिकल पेंसिल के पीछे छोटा सा रेज़र लगा रहता है और वो भी बिल्कुल इस तरीके का रहता है, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। से ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रेज़र है। और ग्रेफाइट और मैंने चारकोल में दोनों मीडियम में आपको यूज़ करके दिखा दिया। आप रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितने फाइन आप रिज़ल्ट से ऑप्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मेरी अगर मैं आपको बताऊँ कि अप्सरा और इसमें, तो अप्सरा मैं पहले यूज़ करता था हेयर्स में और हाईलाइट के लिए। सो आप दोनों में अंतर देख सकते हैं, अप्सरा वाली काफ़ी ज़्यादा थिक है और ये काफ़ी ज़्यादा थिन है। सो ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है। और अभी मैं आपको इससे भी करके दिखा देता हूँ। सो अप्सरा पे अगर आप हाईलाइट करेंगे तो उसमें थिक हाईलाइट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा थिक हाईलाइट होते हैं और इसके कंपेरिजन में। सो अगर आप एक बिगनर हो तो आपके पास ये होनी चाहिए और मैं आपको पर्सनली प्रिफर कर रहा हूँ इसको परचेस करने के लिए। सो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इरेजर है ये एक बिगनर के लिए और एक आर्टिस्ट के लिए। और एक आर्टिस्ट के पास ये इरेजर होना चाहिए। और अगर आप एक बिगनर हो सो आप भी इसको परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको दूँ तो अगर आप एक बिगनर स्टेज पर हो तो आप इसको बाय मत कीजिए। वो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप एक बिगनर हो और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, न्यू आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। और अगर आप एक बिगनर हो तो अगर आप मेरा ओपिनियन आप मांगो तो बिगनर को ये बाय नहीं करना चाहिए। वो आप इसलिए बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप एक बिगनर हो और अगर आप इसको परचेस कर लेते हो तो आप इसके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे कि छोटे छोटे एरियाज़ को हाईलाइट करने के लिए यहाँ वहाँ पे कुछ स्ट्रोक वगैरह लगाने हैं। सो आप उन एरियाज़ को अच्छे तरीके से इरेज करने के लिए या फिर उनको हाईलाइट करने के लिए, सो आप इस पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाओगे और आप इसका ही यूज़ करोगे। मैं पर्सनली बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये अभी तक है नहीं और थोड़े बहुत मैंने रियलिस्टिक स्केचेस भी ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिए हैं। सो वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो ना सो प्रैक्टिस आपको काफ़ी ज़्यादा करनी होगी। और अभी आपको इस न्यू स्किल्स सीखनी है, न्यू टेक्निक्स आपको सीखनी है, हर चीज़ों को आपको एक्सपीरियंस करना है। सो जैसा कि आपने देखा, सो मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर दिया है कि बिगिनर को ये बाय करना चाहिए या आप बिगिनर को ये बाय क्यों नहीं करना चाहिए और आर्टिस्ट के पास ये क्यों ज़रूरी है होना और क्यों इसका यूज़ है और कैसे ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सारी बातें आज मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।